हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगले 25 वर्षों में हमें भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक समृद्ध आत्मनिर्भर और आत्म सम्मान वाला देश बनाना होगा। भारत किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन दूसरा जो कोई भी बुरी नजर से देखेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 20 अगस्त को बुलाई गई वर्चुअल बैठक में विपक्ष के कई नेता और बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों में एकता बनाने और देश के ज्वलंत मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाने के लिहाजा से सोनिया गांधी ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रण भेजा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने इस संबंध में दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट को पत्र भी लिखा है। असम में अब मंदिरों के 5 किमी दायरे में पशु वध नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में असम विधानसभा में पशु वध उपभोग और परिवहन नियमन करने के लिए लाया गया विधेयक पारित कर दिया। विपक्षी पार्टी ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिससे सरकार ने ठुकरा दिया। इसके विरोध में विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिशें भी तेज हो गई है। पुलिस चौकन्नी है तो शरारती तत्व भी सक्रिय। राजस्थान की डीजीपी के नाम से प्रदेश पुलिस के अधिकारियों आतंकी अलर्ट की मेल भेजी गई। मेल संज्ञान में आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सक्रिय हो गए और छानबीन शुरू कराई गई। हालांकि कुछ देर बाद साफ हो गया कि ये मेल शरारती तत्व ने भेजी है, जिसमें किसी हैकर की अहम भूमिका है। देश में कोरोना महामारी के हालात स्थिर नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 38,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है, जो राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,667 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 478 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बने अधिक बारिश वाले मौसम में एक बार फिर थमने का समय आ गया है, जिससे आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधि कम होने की संभावना है। हालांकि इस ब्रेक के दौरान भी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल यानी 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाए जाने की योजना पूरे देश में अनेक कार्यक्रम के रूप में शुरू हो गई है। वहीं भारतीय संस्कृत संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये महोत्सव का क्षण है। वो बोले, हम एक ऐतिहासिक क्षण यानी 15 अगस्त को चिन्हित करेंगे, ये निश्चित रूप से उत्सव का क्षण है, वही आत्मनिरीक्षण और नए संकल्प के लिए रूप में भी जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2 और बैंकों पर जुर्माना ठोका है। केंद्रीय बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के निर्देशों का पालन न करने और महाराष्ट्र के ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। तालिबान विद्रोहों ने अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों कंधार और लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि तालिबान कुछ ही दिन में राजधानी काबुल पर हमला कर सकता है। पश्चिम में हेरात की कट्टर इस्लामी समूह के कब्जे में आ गया है। काबुल से 80 किलोमीटर दूर लोगर प्रांत में सरकारी बलों और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। तालिबान का दावा है कि उससे देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों पर उसका कब्जा पहले से ही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।